बर्बरता का जिम्मेदार आखिर कौन है? किस तरीके से महिलाओं की मंडी सजाई गई, किस तरीके से बोली लगी महिलाओं की, ये सब कुछ कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर क्यों पुलिस कानों में उंगली डालकर बैठी है? आपको बता दें, जो इस गैंग को चला रहा है उसका नाम मोनू है, बड़ौत के घुराना गांव का ये रहने वाला है। सवाल पुलिस महकमे पर, उसकी नाक के नीचे आखिर कैसे महिलाओं पर जुल्म हो रहे हैं? सवाल ये, बर्बरता का जिम्मेदार कौन है? एक्सक्लूसिवली बागपत से, जहां बीवियों का बाजार लगा। जी हां, बागपत का यह मामला है। 21वीं सदी में महिलाओं की नीलामी की जाती है। दलालों ने बागपत में सजाई महिलाओं की मंडी। हालांकि इस तरह की जो खबरें हैं उन जगहों से भी सामने आती हैं जहां पर कौन सा सर, वो मेरा रिश्तेदार था, मैं वो मुकेश और मोनू लड़की लेकर आई भट्टे पर आकर उन्होंने बोली लगाई का 22,000 रुपये में। मुकेश ने 22,000 रुपये में ले लिए सर, 15,000 रुपये उसे दे दिए। 15,000 में उसके जो बाकी रह गया हमने बोल दिया बाद में दे देंगे। वो बाद में फिर 6 दिन के बाद वो आया मोनू पैसे लेने। सर उसने आते थे ना, हाथ पकड़ लिया उसका, बोला का पैसे देते हो तो पैसे दो दलाल, नहीं तो मैं ऐसे ले जाऊंगा। सर इसी के गम में उसने मुकेश ने फांसी लगाई। उसकी 4 दिन पहले उसकी शादी हुई और पता चला है कि उसी दिन, जिस दिन उसने फांसी लगाई है उससे पहले ही, जिस दिन में ही जो उसकी पत्नी थी जिससे उससे शादी हुई थी, उसको जिन लोगों ने शादी कराई थी वो ले गए थे। तो अभी तक इस बात, यही बात प्रकाश में नहीं कि जिससे छुट्ट होकर के उसने आत्महत्या कर लिया है। बाकी जाँच चेक की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता सलमान हैदर की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सलमान हैदर, आखिर ये सब कुछ कब से चला आ रहा था, वो भी पुलिस की नाक के नीचे? बिल्कुल गायत्री, मैं आपको बताना चाहूंगा, बागपत में महिलाओं की आवरू नीलाम हो रही है और यहाँ पर महिलाओं की मंडी लगती है, शादी के नाम पर भरी सभा में लगाई जाती है महिलाओं की बोली, दलाल ऊंची कीमत पर महिलाओं को करता है नीलाम। और तालिबानी, एक तरीके से कहेंगे कि तालिबानी हुकूमत हो गई, क्योंकि यहाँ घिनौना खेल बागपत में ये महीनों से हो रहा है और शहर कोतवाली से मात्र चंद कदम की दूरी पर सब कुछ हो रहा है। लेकिन अफसोस, बागपत पुलिस इसकी कानो कान खबर नहीं है। महिलाओं पर हो रहे जुल्म का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल अभी यहाँ पे पुलिस सुनकर अनसुना कर रही है। जी बिल्कुल गायत्री, आपका कहना यहाँ सही होगा कि कानों कान खबर नहीं है, ये पुलिस का कहना है। क्योंकि पुलिस की नॉलेज में सब कुछ है, काफी दिन से ये गैंग चल रहा है, क्योंकि बहुत सी शिकायतें पुलिस के पास भी आती रही, बराबर पुलिस के पास शिकायत आती रही और वो गुहार लगाते थे और बताते थे कि यहाँ पर ऐसे ऐसे गैंग चल रहा है, लेकिन पुलिस सुनकर भी अनसुना कर रही थी और कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही थी। ताजा मामला अभी बागपत के यहाँ पर मिला, जहाँ पर 22,000 रुपये में बोली लगाई गई और बोली लगाने के बाद जब दलाल को पैसे टाइम पे नहीं दी गए तो वो आया, आने के बाद जो पीड़ित युवक था उसकी पत्नी को ले गया और युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जी गायत्री, चलिए शुक्रिया सलमान ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो महिलाओं पर जुल्म हो रहा है लेकिन इस